हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी पेटीज रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम घर में ही बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती हैं। अगर आपकी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। टेस्ट अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, 1 टेबल स्पून ऑयल। घी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। और एकदम चिल्ड पानी से हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। नॉर्मल या गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, चिल्ड पानी का इस्तेमाल करना है। तो अच्छी तरह से हम डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा डो लगकर तैयार हो गया। थोड़ा सॉफ्ट है ये, तो इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे साइड में, ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 20 मिनट के बाद देख लेते हैं, आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से हम सरफेस में बेल लेते हैं। हल्का सा आटा डस्ट कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे हम। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है हमें, क्योंकि इसकी लेयर बनानी है। तो ये देखिए, इतना पतला हमने इसे बेल लिया है। अब हम यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर का मार्जिन लगाएंगे। आप यहाँ पर वनस्पति घी को भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये अनसॉल्टेड बटर है, जिसे अच्छी तरह से हम इसमें लगा देंगे चारों तरफ। बहुत ही अच्छी तरह से ज़्यादा हमें लगाना है, इससे ही हमारी पेटीज की लेयर बनेंगी। तो बटर बहुत ही अच्छी तरह से हमें लगा लेना है। ये देखिए, तो सारे तरफ हमने बहुत ही अच्छी तरह से बटर लगा दिया है इसमें। अब बटर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से लग चुका है, तो अब हम इसे फोल्ड कर देते हैं। जितना अच्छा हम इन्हें फोल्ड करते हैं, उतनी ही अच्छी हमारी लेयर बनती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम बटर लगा देंगे। बटर लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, जितना अच्छा बटर लगता है उतनी ही अच्छी लेयर बनती है। तो इस तरह से ये देखिए, और इस तरह से हमें 3 बार फोल्ड करना है, मतलब 30-30 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। और इस तरह से हमें 3 बार करना है, आप 4 से 5 बार भी कर सकते हैं, इससे और भी अच्छी लेयर बनती है इसमें। तो ये देखिए, इसे किसी भी क्लीनिंग रैप में करके हम रख देंगे फ्रिज में 30 मिनट के लिए। तो ये अभी मैंने ये 1 बार किया है, और 30 मिनट के बाद हम फिर से इसे निकाल कर इसी तरह से इसको बेल कर और बटर लगाएंगे। तो 30 मिनट हो गए हैं, इसको हम खोल लेते हैं और इसको एक बार फिर से इसी तरह से बेल कर इसकी लेयर बनाकर हम अच्छी तरह से इसमें बटर लगा लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से हम इसे बेल लेंगे और फिर से हम उसी तरह से इसमें बटर लगा लेंगे। बटर बहुत ही अच्छी तरह से लगाएंगे हम। बटर अच्छी तरह से लग गया है, तो अब हम फिर से इसे फोल्ड कर देंगे जैसे हमने पहले फोल्ड किया था। इसके ऊपर फिर से बटर लगाएंगे और इसको फिर से फोल्ड करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। रेफ्रिजरेटर में रखना है, फ्रीजर में ना रखें। अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हम एक बार और कर लेंगे। तो ये 3 बार हो जाएगा। 3 बार में ही बहुत ही अच्छी तरह से लेयर बनकर निकल आती हैं। तो फिर से हम इसको रख देते हैं फ्रिज में। 3री बार में हमने उसी तरह से लेयर लगाकर रख दिया है फ्रिज में। अब फाइनली हमारी पेटीज बनेंगी। तो अब बना लेते हैं मसाला। इसके लिए मैंने तेल डाल दिया है 1 टेबल स्पून। 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे इसमें। 1/2 टीस्पून सौंफ डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 कटी हुई मिर्च डाल देंगे हम। अच्छी तरह से भून लेना है इसे, और बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे हैं, इस तरह से पेटीज ज़्यादा दिन तक चलती हैं। उबले हुए आलू डाल देंगे। अगर आप इसमें प्याज या और भी ज़्यादा मसाले डाल देंगे तो फिर वो जल्दी से ख़राब हो जाएगी, और जो पेटीज मार्केट में मिलती है उसमें इसी तरह का मसाला मिलता है जो ज़्यादा दिन तक चलता है। 1/2 टीस्पून हल्दी और नमक भी डाल दिया हमने, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। आप अपने हिसाब से जितना स्पाइसी या जितना मसालेदार बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती, और अच्छी तरह से मैशर से मैश करते हुए हम इसका एक
बहुत ही अच्छा मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे पेटीज के लिए, और इसको ठंडा करने के बाद ही हम पेटीज में लगाएंगे। अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो गया हमारा मसाला, तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे 1 टेबल स्पून सैंडविच मसाला, जिसे मैंने घर पर बनाया है। अगर आप चाहेंगे तो हम इसकी रेसिपी भी ज़रूर देंगे आपको। तो इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा और स्वादिष्ट बनेगा। तो हमारे पेटीज की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है, तो चलिए अब पेटीज बनाना शुरू करते हैं। 3 बार लेयर करने के बाद अब इसे फाइनली बना रहे हैं, तो इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे, और बहुत ज़्यादा इसमें दबाव नहीं देना है, नहीं तो लेयर ख़राब हो जाएंगी हमारी। तो इसे चौकोर अच्छी तरह से बेल लें। इसे अच्छी तरह से हमने बेल लिया है, और अब इसके साइड के जो कॉर्नर है वो हम कट कर लेंगे, ताकि जब हम पेटीज बनाएंगे तो इससे बहुत ही अच्छी तरह से लेयर खुलकर निकलेंगी। तो आप ये वाला स्टेप ज़रूर करें, ये देखिए। तो इसे अच्छी तरह से इक्वल हमें कट कर लेना है। साइड के कॉर्नर अब हम निकाल देंगे, और आप किसकी लेयर देख सकते हैं इस पर, कितनी अच्छी लेयर आई है। सारे कॉर्नर हम निकाल लेते हैं। तो अब आप इन्हें अपनी मनचाही शेप में कट कर सकते हैं, और जो बचा हुआ आटा है उसे फिर से इस तरह से रख के फ्रिज में पन्नी में रैप करके रख दीजिए, और जब मन पड़े तब आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मिनी पेटीज बना रही हूँ, तो मैंने छोटे छोटा यहाँ पर कट किया है। आप चाहें तो 4 भाग में भी कट करके बड़े बड़े पीस भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से बनेंगे, और इन्हें हमने कट कर लिया है, और अब हम इनमें आलू की पेटीज भर देंगे। इन्हें चिपकाना नहीं है, या फिर इसमें आटे का कोई भी घोल नहीं लगाना है, बस इस तरह से स्टफिंग लगानी है, ये देखिए। और बस इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरह से, ये देखिए। और ये हमारी पेटीज बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। सारे पफ पेटीज में हम इस तरह से मसाले भरकर उनको इस तरह से दबा देंगे। चिपकाना बिल्कुल नहीं है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, नहीं तो फिर लेयर नहीं बनेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसमें प्लेट में ऑयल लगा लिया है हमने, और इस तरह से इसमें लगा देंगे। थोड़ा दूर दूर पर रखें, क्योंकि फिर ये फूलेगी भी। अब इन्हें बेक कर लेते हैं। कढ़ाई में एक स्टैंड लगाकर इसमें ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं हाई फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इसमें हम पेटीज वाली प्लेट रख देते हैं, और इसको 20 से 25 मिनट के बाद ही चेक करेंगे। 20 से 25 मिनट या फिर 30 मिनट भी लग सकते हैं, आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा। तो बस इसे अब हम 25 मिनट के बाद देखेंगे, 20 से 25 मिनट के बाद ही चेक करेंगे। बीस मिनट के बाद देख लेते हैं इसे, ये नीचे से हल्की सी क्रिस्प हो गई है। तो अभी इन्हें हम पलट लेंगे दूसरे साइड से भी पकने के लिए, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये फूल रही हैं। जब तक कि इनमें गोल्डन कलर ना आ जाए, तब तक हम इनको अच्छी तरह से सेकते रहेंगे। 15 मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे इन्हें, जब तक कि ये गोल्डन और क्रिस्प ना हो जाए। बीच में एक बार और पलट लेंगे। पूरे 35 मिनट के बाद हमारी पेटीज बनकर तैयार हो गई हैं, बहुत ही गोल्डन और क्रिस्प हैं ये। तो ये देखिए, हमारी बहुत ही गोल्डन क्रिस्प करारी मिनी पेटीज बनकर तैयार हो गई हैं। आप इन्हें अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर